हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम पाथ फाइंडर, जहाँ हम आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एडमिशन और वैकेंसी से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अलर्ट्स लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑफिसर सी एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट के बारे में, जो नेशनल सेंटर फॉर सेल सर्विस में होंगी और ये वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और डेप्यूटेशन के माध्यम से की जाएंगी। इसके लिए जो ज़रूरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी ब्रांच में पीजी डिप्लोमा के साथ, और पीजी डिप्लोमा मैनेजमेंट या फिर इक्विवेलेंट डिग्री में होना चाहिए, लॉ में या फिर ट्रेनिंग में होना चाहिए सेक्रेटेरियल वर्क में, और यूपीएससी पास्ट एग्जामिनेशन होना चाहिए सेक्शन ऑफिसर्स में या फिर स्टेनोग्राफर में या फिर प्राइवेट सेक्रेटरी में या फिर स्टोर्स एंड परचेज ऑफिसर में। जो ज़रूरी वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए वो कैंडिडेट लेवल 10 में होना चाहिए और 5 साल का या फिर 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लेवल 7 में, और फेमिलियर होना चाहिए इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के साथ। जो पर्सन नॉन गवर्नमेंट में वर्क कर रहे हैं और रेप्यूटेटेड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, उनके पास इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। एप्लीकेशन मोड जो है दोस्तों वो ऑनलाइन है, तो आपको इस गिवन मेल आईडी पे अपनी एप्लीकेशन भेजनी होगी, जो है ncccscareers@nccs.res.in। और अधिक जानकारी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फी, पैटर्न, एनेक्चर्स, प्लेस ऑफ पोस्टिंग और रहने के लिए आप नीचे दिए गए अटैचमेंट को भी गो थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरह से इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट भी दे रखी है, जो है www.nccs.res.in। साथ ही टोटल मंथली एमोल्यूमेंट्स भी दे रखे हैं, जो है 1,03,881। नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो एक ही है, तो आप जल्द से जल्द अप्लाई करें। पे लेवल है लेवल 11। एज लिमिट जो है वो 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट दे रखा है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग है पुणे, महाराष्ट्र। स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन की 25 फरवरी 2022 और लास्ट डेट है 26 मार्च 2022। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरह से इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और यहाँ पे इन्होंने मेल आईडी दे रखी है, जिसमें आपको रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी एप्लीकेशन भेजनी होगी। जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए खारिज कर दी गई है। अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए है 500 रुपये और ओबीसी और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए है 300 रुपये। तो आप इसे गो थ्रू करें, यहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिल जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों, आप हमारे फोरम community.exampathfinder.com पर भी विजिट कर सकते हैं। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग के लिए डाल दूंगी। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो या आप कुछ पूछना चाहते हो, तो यहाँ पे एक रिप्लाई बॉक्स गिवन है, जहाँ पे आप रिप्लाई करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं और हमारी कम्युनिटी के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको अधिक इन्फॉर्मेशन मिल पाई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।